पावर स्टार पवन सिंह की एक ऐसी फिल्म है जिसने 300 दिन थिएटर में तहलका मचाया और उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। फिर उसके बाद पावर स्टार की ये सबसे महंगी फिल्म साबित हुई। और आगे हम एक और क्लू देते हैं। अभी इस फिल्म ने हाल ही में 56 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है। जी हाँ, इसे जब YouTube पर रिलीज़ किया गया था और जल्द ही इस फिल्म ने 56 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है, जो कि पवन सिंह की किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब आप अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाइए और हम आपको बताते हैं उस फिल्म का नाम। फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर। जी हाँ, क्रैक फाइटर ने 300 दिन भोजपुरी सिनेमा घरों के थिएटरों में चलकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। भोजपुरी में अभी तक कोई भी फिल्म इतनी लंबी नहीं चली। साथ ही साथ इस फिल्म ने बहुत बेजोड़ बिजनेस किया। यह फिल्म महंगी जरूर थी, लेकिन इस फिल्म में जितनी भी लागत लगी वो लागत से दुगना प्रोड्यूसरों ने कमाया। क्रैक फाइटर, जिसने भी यह फिल्म देखी सभी ने ये कहा कि भाई फिल्म वाकई लाजवाब है। और साथ ही साथ इसे पसंद करने में पवन सिंह के अलावा, यानी कि पवन सिंह के जितने फैन हैं उनके अलावा भी खेसारी लाल यादव के फैंस, प्रदीप पांडे चिंटू के फैंस, सभी ने इस फिल्म को पसंद किया। इस फिल्म के गाने भी गजब के थे। फिल्म ने निधि झा इनके साथ थी और इस फिल्म की शूटिंग बहुत ही रियल प्लेस पर हुई है। साथ ही साथ पवन के लाइफ की सबसे महंगी फिल्म भी है और लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।